नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन परिवार की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, जानकारी किसी भी प्रकार की हो, चाहे खेती से जुड़ी या किसानी से जुड़ी, हम आपको समय समय पर देते ही रहते हैं। कृषि जगत में क्या नया होने वाला है या क्या नया हो रहा है, इसकी भी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सभी जानकारियां समय समय पर देते रहना। जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। योजनाओं में फंडिंग पैटर्न बदलेगा, खेती का रोडमैप बनेगा, 105 लाख हेक्टेयर में होगी रबी की बोनी, गेहूं के पौधे सूखने से बचाएं, औषधीय फसल इसबगोल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं नीति आयोग द्वारा गठित केंद्र पोषित योजना उप समूह के संयोजक श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अन्य सदस्यों के साथ रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। श्री चौहान ने अनुशंसाओं के बारे में बताया कि अभी तक संचालित 72 केंद्र पोषित योजनाओं को घटाकर 50 कर दिया गया है। योजनाओं को मुख्यतः तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला कोर सेक्टर, दूसरा कोर ऑफ कोर सेक्टर और तीसरा ऐच्छिक। कोर ऑफ कोर सेक्टर के लिए फंडिंग पैटर्न 90:10 यथावत रखा जाएगा। कोर सेक्टर में पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्य के लिए फंडिंग पैटर्न 60:40 रखने की सिफारिश की गई है। ऐच्छिक योजनाओं में पहाड़ी राज्यों के लिए 80:20 और अन्य राज्यों के लिए 50:50 फंडिंग पैटर्न रहेगा। केंद्र शासित राज्यों के लिए केंद्र सरकार पूर्व की भांति 100% सहायता करती रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान और खेती को बचाने के लिए नया रोडमैप तैयार किया जाएगा। किसानों को खेती के लिए रोडमैप के अनुसार खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। भोपाल में कृषि मंथन में कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए आगामी वर्षों के लिए गठित टास्क फोर्स के सदस्य विशेषज्ञों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के लिए सड़क, जल प्रबंधन और बिजली बहुत जरूरी थी और प्रदेश ने इन क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने फसल चक्र में परिवर्तन लाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए छोटी छोटी कई योजनाएं चल रही हैं, जिन्हें नए रोडमैप में समाहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को 100-100 के दल में खेती के लिए तौर तरीके सीखने के लिए विभिन्न राज्य और विदेशों में भी भेजा जाएगा। प्रदेश में मौसम रबी फसलों के अनुकूल हो गया है। हाल ही में हुई वर्षा से किसानों की उम्मीद बढ़ गई है। खरीफ में हुए नुकसान की भरपाई कुछ हद तक रबी 2015-16 में होने की आशा बंधी है। 105,09,000 हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भी दलहनी फसलों के लिए विशेष रणनीति बनाने के एवं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूं की बोनी के 10 से 15 दिनों के भीतर कतारों में गेहूं की पत्तियां मुरझाई सी नजर आती हैं। उखाड़ने पर पौधे सरलता से उखड़ जाते हैं। जड़ का हिस्सा सफेद की जगह भूरा हो जाता है। सहायक जड़ समाप्त हो जाती है। मुख्य जड़ के साथ गेहूं का बीज पोचा अवरोध भी भूमि के बाहर सरलता से निकल जाता है। भूमि से होने वाली इस बीमारी को फूट रॉट कहा जाता है। हर साल 5-7% गेहूं का उत्पादन इसी बीमारी से प्रभावित होता है। नियंत्रण के लिए साफ सुथरा बीज लें, उसे कवकनाशी 3 ग्राम थायरम से प्रति किलो बीज उपचारित करें। इसके बाद एजेटोबैक्टर तथा PSB से उपचारित करें। इससे गेहूं में होने वाले कई रोगों से मुक्ति मिलेगी, फफूंद जनित रोग नहीं लगेंगे, साथ ही उत्पादन बढ़ेगा और गेहूं की गुणवत्ता अच्छी रहेगी। औषधीय फसल इसबगोल मध्य प्रदेश के मालवा में की जाती है। इसके लिए खेत से जल निकासी वाली दोमट भूमि की जरूरत होती है। इसमें ध्यान रखने की जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि उसका बीज बारीक और हल्का होता है, इसीलिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से करने की जरूरत होती है। इसबगोल लगाने वाले किसान भाई चाहे तो GI2 किस्म लगा सकते हैं। इसे सर्वोत्तम किस्म माना गया है। अन्य किस्मों में GI4, HI5 का भी चयन किया जा सकता है।
नकद मुनाफा लेने वाली इसबगोल की खेती कई तरह से की जा सकती है और फायदा भी पहुंचाती है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की मंडियों में अनाजों के भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले मंडी में ज्वार का भाव जो इस प्रकार रहा। आगर में ज्वार का भाव न्यूनतम 1100 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। खंडवा में 1200 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव और 1200 रुपए प्रति क्विंटल अधिकतम भाव रहा। खरगोन में न्यूनतम भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल और 1269 रुपए प्रति क्विंटल अधिकतम भाव रहा। नीमच में 1570 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव, 1570 रुपए प्रति क्विंटल अधिकतम भाव रहा। मंडी में मक्का का भाव इस प्रकार है। आगर में मक्का का भाव न्यूनतम 1200 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1404 रुपए प्रति क्विंटल। घनसौर में 1200 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव और अधिकतम भाव 1325 रुपए प्रति क्विंटल। खंडवा में 1075 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव और अधिकतम भाव 1353 रुपए प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव 1325 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1570 रुपए प्रति क्विंटल। और धान के भाव मंडी में इस प्रकार रहे। बिछिया में धान न्यूनतम भाव 1410 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1410 रुपए प्रति क्विंटल। मंडला में 1530 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव और 1530 रुपए प्रति क्विंटल अधिकतम भाव रहा। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 1360 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1660 रुपए प्रति क्विंटल रहा। विदिशा में न्यूनतम भाव 1410 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1560 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, ठंड ने अपने तेवर समय से पहले ही दिखाना शुरू कर दिए हैं। ठंड आ चुकी है, ऐसे में शीतकाल में सब्जियों का उत्पादन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसान भाइयों, कि शीतकाल में उगाई हुई सब्जियों से आप ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी कर सकते हैं। शीतकाल में उगाई हुई सब्जियों के बारे में और जानकारी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करेंगे। शीतकाल में सब्जियों का उत्पादन कैसे किया जाए, किस प्रकार के समसामयिक कार्य आपको इस समय करना चाहिए, आइए आज इस विषय पर बातचीत करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अली जी से। आज मैं आप लोगों को सब्जियों की में जो होने वाले सामयिक कार्य उसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी हमारे किसान भाई
कुछ लोग सब्जियां लगाने वाले हैं, किन्हीं की सब्जियां लग चुकी हैं, कोई लगाने की तैयारी में है। तो सबसे पहले मैं जो खड़ी फसलें हैं सब्जियों की उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो अभी हमारे पास सामने अदरक है, हल्दी है, ये खड़ी हुई फसलें हैं। और इसमें किसान भाई कहीं कहीं लोगों ने, जैसे आप लोग, पानी अगर अच्छे से निस्तार नहीं होता, उसका रुक जाता है, तो उसमें कभी कभी पर्णीय दाग पत्तियों पर दिखाई देते हैं, कहीं धब्बे नज़र आते हैं। तो आप उसके लिए ध्यान रखें कि पानी रुके नहीं, कभी कभी जड़ सड़न रोग भी लग जाता है, तो इसका ध्यान रखने के लिए आपको उसका निकास अच्छे से करना है। दूसरा, अगर आपके पत्तियों पर, अदरक की या हल्दी की पत्तियों पर धब्बे नज़र आ रहे हैं या जड़ सड़न रोग समझ में आ रहा है, समझ में नहीं कि ये कि उसके ऊपर का आप पोर्शन निकालेंगे तो आपको जड़ की जो दुर्गंध अजीब टाइप की महक महसूस होगी, अगर ये स्थिति है तो आप उसमें डाइथेन M45 या मेनकोजेब दवा का उपचार कर सकते हैं। उसमें 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव ऐसा करें कि उसका नोज़ल खोल लें स्प्रे पंप का, और उसको ऊपर से लेके नीचे तक तर करें। और साथ में ये ख्याल रखें, जब आप ये एक पंप दवा भरते हैं उसके साथ साथ 1 चम्मच कोई भी कपड़े धोने वाला पाउडर, जिसे अपन सर्फ के नाम से जानते हैं, वो चम्मच में मिला के 1 चम्मच डाल दें एक पंप के ऊपर, और फिर उसको तर करें पत्तियों से लेके जड़ तक, उसको पानी तर हो जाए, पत्तियाँ और जड़ें तर हो जाएँ, उसके बाद आप एक दूसरे पौधे में ये प्रक्रिया अपनाएं। और ये कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल से करें। इसी तरह हमारे जो किसान भाइयों ने अभी ये लगा रखा है, प्याज लगा रखा है कि लहसुन लगा रखा है, तो उसमें भी ध्यान रखें कि उसमें भी पानी का निस्तार अच्छे से हो, उसका व्यवस्था करें। और साथ ही जब सिंचाई करें तो उसकी जो पानी भरने की इस अवस्था ना हो पाए, नहीं तो इसमें भी सड़न रोग होने की संभावना रहती है। और जिन किसान भाइयों ने अपनी प्याज की नर्सरी लगा रखी है, गोभी वर्गीय फसलों की नर्सरी लगा रखी है, मिर्च टमाटर भट्टे की नर्सरी लगा रखी है, तो उनके लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यही है कि उसमें सिंचाई समान रूप से करते रहें और उसकी देख रेख करें। अगर उसमें भी पानी अगर भरने की संभावना है तो उसका भी पानी का निकास अच्छे से करें। दूसरा, अगर उसमें आपको कोई पौधे बीमारी ग्रस्त या रोग ग्रस्त दिख रहे हैं तो उसको भी हटा दें, और साथ ही यही डाइथेन M45 दवा का छिड़काव करें। और इसके उपरांत जिन किसान भाइयों की फसलें खड़ी हैं, जैसे टमाटर है, भट्टा है, मिर्च है, फूल गोभी जो पहले लगा चुके हैं आ रही है, तो उसको अच्छे से निकालते रहें। और इसमें कहीं कहीं कीड़ों की भी आपको दिखाई देते हैं कीड़े, तो उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए आप जब अपनी सब्जियों को निकाल लें उसके उपरांत उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कीटनाशी दवा का छिड़काव करें, और उस छिड़काव के उपरांत कम से कम हफ्ते और 10 दिन के अंदर अपनी सब्जियों को बाज़ार में ना बेचें। जब 10 से 15 दिन हो जाएं उसके बाद बाज़ार में ले जाएं। और किसान भाई जो नर्सरी अपनी तैयार कर रहे हैं, उनको ट्रांसप्लांटिंग करना है, पौधरोपण करना है, तो उसके लिए अपनी खेत की तैयारी सुचारू रूप से कर लें। जैसे आपको प्याज का रोपा तैयार हो रहा है आपके यहाँ, तो उसको कम से कम 4 से 5 हफ्ते उपरांत तैयार हो जाएगा। उसके जब आप तैयार रोपे को प्रतिरोपित करते हैं या अपने दूसरे जहाँ अपने खेत की तैयारी सुचारू रूप से कर रखी है वहाँ आपको ट्रांसप्लांट करना है, प्रतिरोपण करना है, तो उस अवस्था में जब आपको निकालना है पौध रोपनी, तो आप उसको पहले हल्की सिंचाई करें, उसके उपरांत आपके तैयार खेत में, तैयार खेत का मतलब है कि आपको 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 200 से 250 क्विंटल गोबर का खाद देना है, उसमें करीब 50 किलो आपको नत्रजन देना है, 50 से 60 किलो, 80 किलो आपको पोटाश देना है, और इसी तरह 60 से 80 किलोग्राम उसमें स्फुर देना है, और साथ ही कम से कम 15 से 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर की मात्रा दी जाती है। इसको अपने को दो, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा है उसको हमको 3 भागों में डिवाइड करके देना पड़ता है, और खेत की तैयारी जब हम करते हैं उस समय गोबर का खाद मिला दें और समतलीकरण कर दें। इसमें गहरी जुताई होना बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे जो कंद हैं काफ़ी नीचे तक जाते हैं,
और गहरी हम जुताई करेंगे और उसमें भरपूर गोबर का खाद देंगे तो हमारी फसल से ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खेती करते समय खेत में पड़ने वाली खाद व उर्वरकों का अपना ही अलग महत्व होता है। खाद व उर्वरकों में कई प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक, जस्ता, ये कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से पौधों में उपस्थित होते हैं। यदि खाद व उर्वरकों का प्रयोग सही से नहीं किया जाए तो कई तरह की विसंगतियाँ पैदा कर देता है, जो कि समय रहते दूर कर ही देना चाहिए। खेतों में खाद व उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, आज के कार्यक्रम में हम इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रघुवंशी जी। इस समय अपनी अनाज वाली मुख्य फसल गेहूं है और गेहूं की किस्में अपनी सिंचाई की व्यवस्था के अनुसार कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि कम पानी चाहने वाली किस्में। यदि हम लोग कम पानी चाहने वाली किस्म लगाना चाहते हैं, उसमें हमारी सबसे प्रमुख है अमृता, सुजाता, मुक्ता, और इन किस्मों में हमारा रासायनिक खाद की मात्रा कम दी जाती है। इन फसलों के लिए नत्रजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 5 बीघा में दिया जाता है। अब आपको मालूम है कि यदि हमने कम पानी वाली फसल लगाई है तो खाद की मात्रा भी हमको कम देना पड़ेगी। बहुत से किसान भाई हमारे खाद की मात्रा ज़्यादा देते हैं, तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि यदि हमने पानी कम देने वाली फसलें लगाई हैं, इसमें हमारी गेहूं की जो किस्में बताई मैंने, उनमें हमको कम मात्रा देना है उर्वरक की। अब हमारी दूसरी किस्में आती हैं जिन किसान भाइयों के पास 2 या 3 पानी की व्यवस्था है, वो लोग अपने यहाँ पर गेहूँ की किस्में लगाएँ, जैसे कि हर्षिता। अर्षदा जो किस्म है वह 2 पानी के लिए सबसे अच्छी है। दूसरी किस्म जो है वो अमर है, HI 2004। इस किस्म को, इन किस्मों के लिए हमको उर्वरक की मात्रा बढ़ाना पड़ती है। इनके लिए हमको नत्रजन जो है ना वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और हमारा पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नत्रजन है उसकी हमारी आधी मात्रा हम बुआई के साथ में, मतलब 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के साथ में देंगे, और बची हुई 40 किलोग्राम नत्रजन हम 2 भागों में बांटकर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पहले पानी पर और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दूसरे पानी पर देते हैं। ये पूर्ति हम यूरिया से करेंगे। अब किसान भाई जिनके पास ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था है या जो नहरी क्षेत्र में हैं जहाँ नहर की व्यवस्था है पानी के लिए, वो किसान भाई ज़्यादा पानी, मतलब 5 पानी वाली किस्में भी उगा सकते हैं। उनमें सबसे अच्छी जो प्रमुख किस्में हैं गेहूँ की, वो हमारी हैं GW 273, GW 366, GW 322। इन किस्मों के लिए उर्वरकों की आवश्यकता भी ज़्यादा लगती है। इनके लिए नत्रजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। अब यहाँ पर बात आती है कि नत्रजन जो 120 किलोग्राम है, इसको हम 3 भागों में बाँट कर देते हैं। 1/3 भाग, मतलब 40 किलोग्राम नत्रजन बुआई के साथ में, 40 किलोग्राम नत्रजन बुआई के जब हम पहली सिंचाई करते हैं 21 दिन बाद तब देते हैं, और बची हुई 40 किलोग्राम हेक्टेयर की मात्रा जो है वो हम तीसरे पानी पर, मतलब बुआई के 55 से 60 दिन के अवस्था पर देते हैं। इसके बाद गेहूं की फसल में हम लोग
यूरिया से बाद में कोई भी ना कोई यूरिया देंगे ना खाद देंगे ना कोई किसी प्रकार का टॉनिक देंगे। ये हमने बताई आपको कम पानी वाली, मध्यम पानी वाली और ज़्यादा पानी वाली किस्मों में खाद एवं उर्वरक का उपयोग करें। अब बात करते हैं कि गेहूं में अच्छी चमक आए इसके लिए हम लोग जिंक की पूर्ति करते हैं। जिंक जो है हम देते हैं 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसकी पूर्ति हम करते हैं जिंक सल्फेट से। अब जिंक सल्फेट की मात्रा जो रहती है वो हमको देना पड़ती है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जिंक सल्फेट की खेत में जब हम अंतिम बखरनी करते हैं, जब बुआई की पहले हम बोलते हैं कि हम अब बखरनी कर रहे हैं, इसके बाद बुआई करेंगे, उस टाइम हम खेत में अच्छी तरह से उसको मिला दें तो इससे हमारे गेहूं में अच्छी चमक आती है और गेहूं अच्छी गुणवत्ता वाला प्राप्त होता है। अब हमारी दाल वाली फसलों में मुख्य रूप से फसल है हमारी चना। कुछ किसान भाई हमारे मसूर लगाते हैं और कुछ लगाते हैं मटर। तो इन तीनों फसलों के लिए जो हमारी खाद एवं उर्वरक की मात्रा है वो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फोर और 20 किलोग्राम पोटास। ये जो दाल वाली फसलों में हम इसकी पूर्ति करते हैं तत्वों की, वो एक साथ बुआई के साथ में करते हैं तो इससे हमारी जो दाल वाली फसलों की तत्वों की पूर्ति हो जाती है और हमें अच्छी उपज मिलती है। इसके बाद में हमारी तीसरी मुख्य फसलें हैं तेल वाली फसलें, इसमें हमारी अलसी और सरसों प्रमुख हैं। तो इनके लिए हमको जैसे कि हमारे देखा कि अलसी लगा रहे हैं या सरसों लगा रहे हैं, इनमें हम लोग पानी बहुत ही कम देते हैं या एक पानी देते हैं या जहाँ पानी नहीं होता वहाँ इनको लगाते हैं। तो उस अवस्था में हमको नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, स्फोर 40 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के साथ में दिया जाता है। चूँकि ये तेल वाली फसलें हैं इसलिए इनको गंधक की आवश्यकता भी होती है और गंधक की पूर्ति करने के लिए हम लोग जिंक सल्फेट दें या फिर हमारा जो अच्छा सोर्स है जिप्सम। जिप्सम से क्या होता है कि एक तो तेल वाली फसलों के लिए सल्फर की पूर्ति भी होती है, साथ साथ में हम इसको तीन फसलों के बाद दे सकते हैं। ये बदलाव क्या है, बदलाव से हुआ क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है, जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा ऐसी हमें आपसे पूरी उम्मीद है। यदि आप हमसे पत्राचार करना चाहते हैं या अपने सुझाव हम तक भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से खेती से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। और जाते जाते किसान भाइयों, आपको दीपावली की फिर से बहुत बहुत बधाई। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।